कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी एंड क्रिस्पी रेसिपी लेकर आए हैं, बहुत ही मज़ा आपको देने वाली। देखकर मुंह में पानी तो ज़रूर आ गया होगा। आज हम बनाने वाले हैं कटहल के पकोड़े, बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही क्रंची। आप देख सकते हैं, देखिए कितनी चर चर की आवाज़ आ रही है। तो फ्रेंड्स, आप इन्हें बनाइए, ट्राई करके ज़रूर देखिए और हमें बताइए कटहल के पकौड़े आपको कैसे लगे, क्योंकि पकौड़े तो हर किसी के फेवरेट ही रहते हैं। चलिए अब जल्दी से देख लेते हैं बिना वेस्ट किए इंग्रेडिएंट्स। इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल है उसे प्रेस करके ऑल पे कर लीजिए। इससे क्या है ना, हमारे सारे न्यू अपडेट आप तक पहुँचते रहेंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो का लाइक शेयर ज़रूर करें। पकौड़े बनाने के लिए हमने यहाँ पे आधा केजी का कटहल ले लिया है, हमने कट कर लिया। फ्रेंड्स, ये जो हल्का सा भरे कथे दिख रहा है, इसको हमने गलती से लोहे की छुरी से कट कर लिया था, इसीलिए थोड़ा सा ये ब्राउन हो गया है। इसको हमने धोकर पानी में डाल लिया है। इसको हम थोड़ा सा 5 मिनट के लिए इसे बॉयल करेंगे। इस चम्मच हम इसमें नमक ऐड कर देते हैं। आधा चम्मच हम हल्दी ऐड कर देंगे। हल्दी से क्या है ना, ये अभी हम डाल देंगे तो ये बॉयल हो जाएगी, तो इसमें हल्दी की जो स्मेल आती रहती है वो से बॉयल हो रहा है। देखिए कितना अच्छा इसका कलर भी आ गया है। बस 3 मिनट ये बॉयल हो गया है, हम 2 मिनट और इसे बॉयल कर लेंगे। इसी तरह हमने कटहल को बॉयल कर लिया, 5 मिनट हो गए हैं, ये कुक हो गया। बहुत ज़्यादा हमें नहीं इसे गलाना था, बस अब इसे हम ठंडा हो जाने देते हैं। बड़ा सा बाउल ले लिया है मिक्सिंग करने के लिए, मिक्सिंग बाउल, इसमें सारे इसको हम डाल लेंगे। ये सॉफ्ट कटहल है, इसके बीजे भी बहुत सॉफ्ट हैं, तो आप चाहें यहाँ पे तो बीजा निकाल सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम बीजा निकाल ही देते हैं। सारे बीजे को हम इस तरीके से निकाल देंगे। तो सारे बीजे को हमने अलग कर लिया है, ये देखिए। अब हम इसमें डाल देंगे सारे इंग्रेडिएंट्स। हम डालते भी जाएंगे और आपको बताते भी जाएंगे। 4 बड़े चम्मच चावल का आटा। पकौड़े बनेंगे बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। चावल का जितना हमने आटा लिया था उसी का डबल जस्ट हमने ये चने का आटा ले लिया है, मतलब बेसन, इसको पूरा डाल देंगे। स्लाइस प्याज, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का ग्रेट किया हुआ, 4 हरी मिर्च कटी हुई, 1 कप धनिया पत्ता कटा हुआ, 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट, 1/4 काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, 1/4 गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच चाट मसाला, 1/4 हींग। इसे बहुत अच्छा डाइजेशन सिस्टम रहेगा और क्या है ना, ये थोड़ा कटहल जो बादीपन होता है इसको भी काटता है, इसे टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। बादीपन काटने के लिए हमने यह कटहल को बॉयल कर लिया था। 1 चम्मच नमक, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। 1/2 चम्मच मिर्ची पाउडर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तीखा है इसलिए हमने 1/2 चम्मच डाला, थोड़ी सी हमने काट कर भी डाली थी। फ्रेंड्स, अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स कर लिया है, मिला लिया है, छान लेंगे। क्रिस्पी क्रिस्पी पकौड़े इसके। आप चाहें अगर इसका कबाब भी बना सकते हैं, तो कबाब बनाने के लिए आपको थोड़ा सा इसमें चने का मतलब बेसन ज़्यादा डालना पड़ेगा, डबल डालना पड़ेगा जितना हमने डाला है। हमने इसमें बेसन इसलिए कम डाला, ये क्या है ना, जो इसकी पंखुड़ियाँ दिख रही बहुत ही क्रिस्पी लगेंगी। चलिए जल्दी से हम इसे फ्राई कर लेते हैं। तेल थोड़ा सा ज़्यादा हीट होना चाहिए, बहुत हल्का हीट होगा तो मज़ेदार नहीं बनेंगे। तेल हीट हो गया है, हम फ्राई कर लेते हैं पकौड़े। सारे पकौड़े हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। इन्हें हम चाकू की हेल्प से पलट लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पकौड़े जो है फ्राई हो गए हैं। देखिए कितना अच्छा इनका कलर आया है, कितने ये क्रिस्पी हैं। इन्हें हम निकाल लेते हैं, दूसरे बेच के इसी तरीके से फ्राई करेंगे। कितने क्रिस्पी और कितने ज़बरदस्त बने हैं, इन्हें हम निकाल लेंगे। करारे और बहुत ही क्रिस्पी हैं। पकौड़े छन कर रेडी हो गए हैं। सारे पकौड़े हम एक प्लेट में सर्व कर लेंगे। पकौड़े यहाँ पे हमने सर्व कर दिया गर्मा गर्म। ये पकौड़े देखिए कितने क्रिस्पी और कितने खूबसूरत बने हुए हैं। ये कटहल के पकौड़े डिश सॉस के साथ सर्व कर दिया है, बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची हैं। आपको हम दिखाते हैं तोड़ के, ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त ये पकौड़े बने हैं। मिलेंगे एक नई रेसिपी, नई डिश के साथ, एक यूनिक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिएगा।